नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनराइज न्यूज में और मैं आपके साथ सलोनी सरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस रविवार यानी 24 अक्टूबर को UPPCS प्रीलिम्स 2021 की परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित कराई गई। हमारी सनराइज न्यूज की टीम ने भी ग्राउंड रिपोर्ट से अलग अलग एग्जाम सेंटर्स पर जाकर स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया का जायजा लिया और उनके ही रिक्वेस्ट पर हम लाए हैं एक सटीक और तथ्यों पर आधारित प्रीलिम्स 2021 की संभावित कट ऑफ। इस साल परीक्षा में 6,91 लाख छात्राओं ने आवेदन किया, जो पिछले साल 2020 में 5,95 लाख था, यानी 16% अधिक छात्राओं ने इस बार आवेदन किया। अब आपको बता देते हैं कि इस साल की परीक्षा में अटेंडेंस यानी उपस्थिति मात्र 46 ही रही, जो पिछले साल 2020 में 52% थी, यानी इस बार आधे से भी कम छात्र परीक्षा देने सेंटर पर पहुंचे। आगे आपको बताते हैं कि हमारी टीम ने ग्राउंड पर सर्वे किया और बहुत से स्टूडेंट से एग्जाम का फीडबैक लिया और इन सभी का आकलन करने के बाद ये निकल कर आया कि इस बार का प्रीलिम्स का पेपर पिछले साल 2020 की तुलना से ज़्यादा टफ था। अब आप सभी यही सोच रहे होंगे कि अगर हमें 2020 की कट ऑफ पता होती तो हम अंदाज़ा लगा लेते कि हमारा प्रीलिम्स की परीक्षा में पास होने के कितने चांसेस हैं। लेकिन आप सभी को जानकारी में लाते हुए हम बता दें कि आयोग द्वारा 2020 प्रीलिम्स की कट ऑफ जारी नहीं की गई है और ये कट ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा RTI से प्राप्त हुई है। तो लीजिए, आपकी मुश्किल हम दूर किए देते हैं। हमारे सूत्रों से पता चला है कि जो RTI UPPSC को डाली गई थी उसका जवाब आ गया है और ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि UPPSC 2020 की प्रीलिम्स की कट ऑफ सिर्फ 110 अंकों की गई, जो कि पहले 120 हुआ करती थी। अब 2020 में इतने कम मार्क्स का कट ऑफ जाने का कारण पिछले साल का जनरल स्टडीज का टफनेस बढ़ना और ज्यादा रीजनिंग वाले सवाल होना और लीक से हटकर सवाल पूछना था। और तो और भी पिछले साल की CSAT यानी पेपर 2 भी पहले की तुलना में टफ था। तो ऊपर की कट ऑफ और हमें मिले स्टूडेंट्स के फीडबैक पर आइए जानते हैं UPPSC प्रीलिम्स 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। क्योंकि स्टूडेंट्स के फीडबैक पर हमें पता चला कि 2021 का प्रीलिम्स 2020 से भी ज़्यादा टफ था और CSAT भी काफ़ी ट्रिकी था और टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी था। तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ निर्धारित की है, जो कि कुछ इस प्रकार है। RTI द्वारा प्राप्त हुई कट ऑफ जनरल 2020 110, 2021 102 से 105, OBC साल 2020 110, साल 2021 100 से 105, SC साल 2020 95, साल 2021 88 से लेकर 95, ST साल 2020 77, साल 2021 75 से 80। हम आपको ये भी बता दें कि इस बार UPPSC 2021 में 15 गुना बच्चे प्रीलिम्स परीक्षा में पास कराए जाएंगे, जो कि 2018 से 2020 तक 13 गुना हुआ करते थे। आपको बता दें कि साल 2018 से पहले 18 गुना बच्चे प्रीलिम्स में पास कराए जाते थे। इसका मतलब ये है कि 2021 में जितनी भी वैकेंसी प्रीलिम्स के रिजल्ट आने तक आयोग को मिलेंगी उसके 15 गुना बच्चे प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और इसी तरह से इंटरव्यू भी 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज़। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।